प्रिय मित्रों, आज के कविता पाठ में आपका अंतर्हृदय से मैं स्वागत करता हूं और आपसे यूट्यूब के माध्यम से संपर्क साधकर मुझे बहुत हर्ष का आभास होता है। आपकी जय जयकार। मैं रताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग का सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वर्तमान में सेवानिवृत्त। अपने सेवानिवृत्त काल में कुछ कालखंड के लिए मैं अपना अवकाश हेतु, निजी अवकाश हेतु, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेक्सास नामक प्रांत में आया हूँ। यहाँ मैंने अपने इस समय का सदुपयोग किया है और सदुपयोग करके मैंने काव्य सर्जन किया है। इससे पहले भी मैंने काव्य सर्जन काफ़ी किया है और इस तरह से आप देख रहे हैं मेरे 16 काव्य संकलन छप कर आ गए हैं, जिनमें से 14 हिंदी में हैं और 2 इंग्लिश में हैं। आज मैं अब आपके सामने एक नई कविता संग्रह शुभारंभ कर रहा हूं और यह मैंने यहीं टेक्सास में पिछले 1 साल के दौरान में लिखी है और मेरा मन हमेशा हर भारतवासी को देख के बड़ा प्रसन्नचित होता है और मेरा मन अपने देश भारत को देख के बहुत गर्वित होता है। मेरा भारत महान है और मेरा हर भारतीय भी महान है और इनके जो सद्गुण हैं इनको उजागर करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भारत के गुण और भारत भारती के गुण, हम प्रत्येक भारतीय को पता होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भारतीय अपने भारत में और अपने स्वयं में यानी भारतीय में के हृदय में झाँक के अपनी बढ़ियाई करेगा। उसी का मैंने प्रयास करते हुए ये मैंने कविता संकलन किया है और मैंने इसका नाम लिखा है, देखिए ध्यान से, भारत भारती के सद्गुण हजार। भारत भारती के सद्गुण हजार, ये मेरी इस कविता संकलन का शीर्षक है और इसमें आप देखिए तकरीबन 5-5 पदों की, 5 से ज़्यादा तो है ही नहीं, 104 कविताएं हैं। मैं आपके सामने आज आप की शुभकामनाओं अपने आप ही यहाँ लेते हुए मैं आज इस भारत भारती के सद्गुण हजार की कविता संख्या 1 का आपके सामने कविता पाठ कर रहा हूँ। इस प्रथम कविता पाठ संख्या 1 का शीर्षक है भारत में हम जन्मे हैं। 5 इसके स्टैंजा है और 5 ही मिनट लूंगा, देखिएगा। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। हमें कोई कहे हिंदुस्तानी तो कोई कहे हमें भारतवासी। हम भारत में ही जन्मे हैं, भारत के ही हम बाशिंदे हैं। दूसरा, सद्भावना हमारा मनोभाव है, सौहार्द हमारा हृदय भाव है। सद्भावना हमारा मनोभाव है, सौहार्द हमारा हृदय भाव है। पारस्परिक विश्वास हमारे जीवन का है आधार। पारस्परिक प्रेम भाव हमारी जीवन धारा का है विचार। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। धैर्य धीरज पर टिकी हुई है हमारी है जीवन नैया। संतोष संतृप्तता हमारे जीवन सूत्र हैं। पारस्परिक शांतिपूर्ण सहयोग हमारा निजी धर्म है। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। चौथा, भारत से ही है हमारा वजूद। भारत से ही होती है परिभाषा हमारी। भारत से ही है हमारा वजूद, भारत से ही होती है परिभाषा हमारी। भारत से ही संपूर्ण सकल जगत में होती है पहचान हमारी। हम हरदम भारतीयता का ही दम भरते हैं।
हम शुभ हमारा शुभ कर्म करना, नीति नियम से रहना और हमेशा प्रतिबद्धता जीवन शैली में बंधे रहना, यही हमारी जीवन शैली है। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। अंतिम और पांचवा पद, हमारा भारत, देखो कवि क्या कह रहा है, कहे रोहताश गुप्ता, हमारा भारत निश्चित तौर पर विश्व शांति का अग्रणीय दूत है। कहे कवि रोहताश गुप्ता, हमारा भारत निश्चित तौर पर विश्व शांति का अग्रणीय दूत है। बेशक हमारा भारत वैश्विक सदाचार का मूलभूत प्रतिपादक है। हम भारतीय कलह कलेश से सदा कोसों दूर रहते हैं। हमारा भारत वैश्विक व्यावहारिक मेल जोल का प्रथम तय तभी तो एकमात्र संवाहक है। भारत में हम जन्मे हैं, भारत के हम बाशिंदे हैं। हमें कोई कहे हिंदुस्तानी तो कोई हमें कहे भारतवासी, हम हिंदुस्तानी, भारत में ही जन्मे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।